निशा भाभी, क्या कर रहे हो आप? अरे मेरी छोड़, तुझे क्या हुआ ये तो बता। हम ना रात में मोबाइल हाथ में पकड़ के फिल्म देख रहे थे, बस वही दर्द हो गया। इसका तो परमानेंट इलाज निकालना पड़ेगा। इस हैंगर से तुम्हारे मोबाइल के लिए स्टैंड बनाते हैं, इससे तुम्हारे हाथ में भी दर्द नहीं होगा और हैंगर मोबाइल स्टैंड में बदल जाएगा। निशा भाभी, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, अब बताइए जरा कैसे इन हैंगर से मोबाइल स्टैंड बनाएंगे। चलो बताती हूँ। हैंगर का मुड़ा हुआ हिस्सा प्लास की मदद से अलग कर लें। अब प्लास को डंडी के बीच में लगाते हुए दोनों किनारों को मोड़ दें। अंग्रेजी के ए जैसा आकार बन जाएगा। अब प्लास की मदद से आधा हिस्सा और मोड़ दें। अब दोनों किनारों को थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ दें। सेल फोन स्टैंड तैयार हो जाएगा। वाह निशा भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। तो बाम से ज्यादा ये नुस्खे काम आएंगे और बिना हाथ को तकलीफ दिए हम फिल्म देख पाएंगे। देखा आपने, आज हैंगर से हमने मोबाइल स्टैंड बना लिया। वैसे तो हम मोबाइल रखने की जगह कभी बनाते ही नहीं है, कभी तकिए के नीचे तो कभी चादर के पीछे, कभी टेबल पे यूं ही पड़ा रहता है। आप जानती हैं मोबाइल साथ में लेकर सोने से कितना नुकसान हो सकता है? उसकी किरणों की वजह से आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। बस मोबाइल का स्टैंड बनाइए और उसे साइड टेबल पे रख दीजिए। इससे आपका साइड टेबल भी साफ सुथरा लगेगा और शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होगा। निशा जी के नुस्खे। निशा जी, हाँ, जल्दी से हमारे सर पे ठंडा ठंडा पानी डाल दीजिए वरना हमारा दिमाग ना फटने वाला है। क्या हुआ माला जी? जी अरे मत पूछिए, गलती कर दी है पड़ोसी के बच्चों को 2 दिन के लिए घर पे रख के, पूरे घर में तूफान मचा के रख दिया है। तोड़ फोड़ चिल्लम चिल्ली उठा पटक। आने दीजिए इनकी अम्मा को, ये आइसक्रीम की डंडिया दिखा के ना एक एक के पैसे वसूलेंगे। अरे इतने सारे आइसक्रीम खिलाए फिर भी ये के शरारत से बाजी नहीं आते, ये भी कोई बात हुई बताइए? अगर हमारे अपने होते ना तो हम एक एक लपड़ लगा सकते। माला दीदी, बच्चे हैं, अगर वो शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप बताइए, आप जब छोटी थी तो पेड़ से आम तोड़कर माली को परेशान नहीं करती थी? आम तो वो... बच्चे तो बच्चे हैं, इन्हें तो पूरा दिन शरारत करने दो तो करेंगे, पूरा दिन दौड़ भाग कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों को किसी भी चीज का काम देकर उनका ध्यान बटाना बहुत ही जरूरी है। लाओ आज इन आइसक्रीम की डंडियों से ना हम बच्चों के लिए फूलदान बनाएंगे। फूलदान बनाने के लिए आपको चाहिए 50 से 55 आइसक्रीम की डंडियां और गोंद। 9 आइसक्रीम की डंडियों को गोंद से चिपका दें और फूलदान का तला बनाएं। इसके ऊपर 2 डंडियां कोनों पर चिपका दें। ऐसे ही एक और तला बनाकर पिछले पे चिपका दें। अब 4 डंडियां जोड़ के 4 कोने बना लें। इन्हें तले के चारों किनारों पे चिपका दें। अब बची हुई डंडियों को चारों कोने से चिपका दें। फूलदान तैयार है। अब ये बदमाश हुए पूरी तरह व्यस्त। अरे 2-3 फूलदान तो हम भी बनवा लेंगे। है ना मजेदार तरीका बच्चों को व्यस्त रखने का? बच्चों में इतनी शक्ति होती है कि आप थक जाएंगे लेकिन उनकी ऊर्जा खत्म नहीं होगी। इसीलिए उनके लिए एक दिनचर्या बना लेनी चाहिए जहाँ पर वो अलग अलग गतिविधियों में व्यस्त रहें, ताकि उनकी ऊर्जा और समय का सही उपयोग हो जाए और आपको भी अपने लिए समय मिल जाए। है ना दोहरा फायदा। भाभी कितना मजा आएगा ना कि हम अपने हाथों से बने दियों से घर सजाएंगे, सब तो देखते ही रह जाएंगे। त्योहार कोई भी क्यों ना हो, हमारी परंपरा यही कहती है कि सारी चीजें घर में ही बननी चाहिए, फिर चाहे वो मिठाइयाँ हो या फिर दिए। और वैसे भी छोटी छोटी चीजों में ही तो त्योहारों की असली खुशियाँ छिपी हैं। लेकिन भाभी, और कौन से तरीकों से डिजाइनदार दिए बना सकते हैं हम? और बहुत सारे तरीके हैं डिजाइनदार दिए बनाने के, और यहाँ पर हम आपको 2-3 तरीके बताने वाले हैं। सीडी के दिए बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 2 से 4 पुरानी सीडीज, 2 से 4 मिट्टी के दिए, सजाने के लिए मोती के मनके, वाटर कलर, ब्रश और गोंद। सबसे पहले दिए को अपने पसंदीदा रंग में रंग लें, जैसे मैंने किया है, लाल, हरा या पीला, जो रंग आपको भाए। दिए के मुंह पर गोंद लगा दें और फिर छोटे मोती एक एक करके लगा दें। आप जो चाहें वो इस्तेमाल करें, जैसे सितारे, किसी भी आकार के मनके जो आसानी से मिले। अब सीडी की सजावट हम चमकी पाउडर के इस्तेमाल से कर लेंगे। अब सीडी के बीचों बीच इस दिए को गोंद की मदद से चिपका दें। ऐसे ही सारी सीडीज को अलग अलग ढंग से सजा के बना लेंगे। दिया तैयार है।
एक और मजेदार तरीका है, टूटी हुई चूड़ियों के कुल्लड़ के दिए। इसके लिए हमें मिट्टी के 2 से 4 कुल्लड़ चाहिए, रंग बिरंगी टूटी चूड़ियाँ और गोंद। कुल्लड़ या मटकी को रंग के सुखा लें। अब गोंद को कुल्लड़ या मटकी पर लगा के उस पे चूड़ियाँ चिपका दें। दिया तैयार है। निशा जी के नुस्खे। निशा जी, ये सारी की सारी सीरीज बर्बाद हो चुकी है, एक गाना सही से नहीं चल रहा। अब तुम ही देखो अगर ये तुम्हारे कुछ काम आती है तो। ये सीरीज मेरे तो क्या पूरे घर के काम आ सकती है। इन्हें ना हम घर की सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए एक पुरानी सीडी, सुंदर कपड़ा, गत्ता, रंग बिरंगी सुतली, गोंद, रिबन, कैंची और मार्कर। गत्ते पे सीडी रख लें। उसके बाद मार्कर की मदद से सीडी का आकार गत्ते पे बना लें। इसे साइड में रख लें। कपड़े को उल्टा करके टेबल पे बिछा दें। उस पे सीडी रख के कपड़ा चिपका दें। छोटा सा रिबन काट के दोनों तरफ मोड़कर हुक बना लें और सीडी पे चिपका दें। ये सीडी की सजावट टांगने के काम आएगा। अब गद्दा सीडी पे चिपका दें। अब सीडी पलट दें और रंग बिरंगी सुतली से सीडी का बॉर्डर बना के चिपका दें। अब किनारे पे उसे बांध दें। सीढ़ी की सजावट तैयार है। इन सीढ़ी से बनी सजावट को आप दीवार पे भी लगा सकते हैं या फिर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अरे वाह निशा जी, सीढ़ी से गाने बंद हो गए लेकिन इस खराब सीढ़ी को एक नया सुर मिल गया। सुर तो साथ ही होते हैं लेकिन उन सुरों से आप नया संगीत जरूर बना सकते हैं। तो अब नए सुर नहीं, आपका अपना नया संगीत बनाए। निशा जी के नुस्खे। अरे निशा भाभी, ये भैया का पुराना टी शर्ट कहाँ से मिला आपको? वो तो इसे फेंकते ही नहीं है। चलो अच्छा हुआ, अब आप ना इसे फेंक दोगी। हम तो चीजें फेंकने में विश्वास ही नहीं रखते। इस टी शर्ट का भी कुछ नया बन सकता है। आज इस टी शर्ट से ना हम तकिए का कवर बनाएंगे। इस पुराने टी शर्ट से? हाँ, इसके लिए चाहिए एक पुरानी टी शर्ट, चौक, कैंची, स्केल या इंची टेप, नापने के लिए तकिया। टी शर्ट को टेबल पे फैला दे और तकिए को बीच में रख के इर्द गिर्द सफेद चौक से निशान लगा लें। फिर स्केल से लकीरें जोड़ लें। एक चौकोर बबनेगा। चौकोर के बाहर 3 इंच की दूरी पे बड़ा चौकोर बनाएं। अब बड़े चौकोर को काट लें। अब 1 इंच मोटी धारियां चारों तरफ से काटें। बची हुई धारियों को 3 तरफ से गांठ लगा दें। छोटी तरफ से तकिया कवर के अंदर डालें और फिर गांठ लगा लें। आपका तकिया कवर तैयार है। टी शर्ट का कपड़ा कितना मुलायम होता है, और सोचिए अगर तकिए का कपड़ा मुलायम हो तो नींद कितनी अच्छी आएगी ना। मान गए निशा भाभी, बिना सिए बिना मशीन के इतना खूबसूरत कवर बनाया आपने, और भैया की पुरानी टी शर्ट भी काम आ गई। आज फिर हमने एक पुरानी चीज को नया रूप दे दिया। इसे अंग्रेजी में रिसाइकलिंग कहते हैं। जैसे ये टी शर्ट को देखो, हमने तकिए का कवर बना दिया। किसी जादू से कम नहीं है ना। रिसाइकलिंग से पुरानी चीजें वापस इस्तेमाल में तो आती ही हैं, साथ ही साथ पर्यावरण भी बचता है। तो रिसाइकल करें और पर्यावरण को बचाएं। निशा जी के नुस्खे। निशा जी के नुस्खे। निशा जी, तुम भी ना कमाल की हो। लड़कियां नई चीजें खरीदने के लिए मरती हैं, और एक तुम हो जो पुरानी चीजें फेंकने ही नहीं देती। ये कांच की बरनी अम्मा के जमाने की है, इसे बदल के कुछ नया ले लो ना। क्यों, अगर आपको कुछ नया लेने की इच्छा है तो इसी को नया रूप दे देते हैं ना। एक आसान सा ग्लास पेंटिंग बनाकर। इसके लिए हमें चाहिए एक कांच की बरनी, एक फूल का डिजाइन किताब से, एक नकल करने का कागज, 4 से 5 रंग और पेंसिल। सबसे पहले फूल का डिजाइन ट्रेसिंग पेपर पे उतार लें।
अब ट्रेसिंग पेपर को बर्नी के अंदर सटा दें। डिजाइन बर्नी के आर पार दिखेगा। अब काला रंग लेकर फूल की नकल बर्नी पर बना लें और सूखने दें। अब फूल में अपनी पसंद के रंग भर के बर्नी को नयापन दें। सूखने के बाद ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। कमाल हो गया निशा जी, इस पुरानी बर्नी की तो काया ही पलट जाएगी और नए बर्तनों पर बचत अलग। अरे इसका एक नया इस्तेमाल तो अभी आपने देखा ही नहीं, इसके अंदर अगर आप दिवाली की पुरानी लाइट्स लगा दें तो ये एक लैंप बन सकता है। अरे ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं।